और यूपी में बीजेपी ने सबसे बड़ा फेरबदल किया है। बता दें कि संगठन में बीजेपी ने सबसे बड़ा फेरबदल किया है, 50 से अधिक नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें यूपी से, जहां पर बीजेपी संगठन ने बड़ा फेरबदल किया है और यूपी में बीजेपी ने 50 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष बदले हैं। वाराणसी एमएलसी में बलिया में पूर्व विधायक को कमान सौंपी गई है। लखनऊ महानगर में आनंद द्विवेदी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा लखनऊ जिला में विनय प्रताप सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। रायबरेली में बुद्धिलाल पासी को, सीतापुर में राजेश शुक्ला को, बाराबंकी में अरविंद मौर्य को, गोंडा में अमर किशोर कश्यप को, बहराइच में ब्रजेश पांडे को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बुद्धिलाल पासी बनाए गए हैं रायबरेली बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष। बुद्धिलाल पासी को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है, रामदेव पाल को हटाया गया है। इसके अलावा बता दें आपको, राम प्रसाद मिश्र बने हैं अमेठी के जिला अध्यक्ष और अभी तक कोषा अध्यक्ष के पद पर ये कार्यरत थे। और कानपुर देहात में मनोज शुक्ला को कमान सौंपी गई है। और इसके अलावा एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा को बनारस का नया जिला अध्यक्ष बनाया है। तो इस वक्त की यूपी से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी संगठन ने सबसे बड़ा फेरबदल किया है, एक साथ 50 से अधिक जिला अध्यक्ष बदले हैं। तो बता दें कि 2024 पहले यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर संगठन में बड़े स्तर का फेरबदल किया है। पिछले काफी समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसके बाद आखिरकार शुक्रवार को पार्टी की ओर से नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि बीजेपी ने संगठन के लिहाज से क्षेत्रवार में 98 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने नई टीम को काफी तवज्जो दिया है और इस टीम को काफी अहम भी माना जा रहा है। तो बता दें कि बीजेपी ने यूपी में संगठनात्मक तौर पर बड़ा फेरबदल किया है, 50 से अधिक नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं।